दोस्तों, वेलकम टू विपाक मीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज। अगर आपने हमारा चैनल विपाक मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, ये जो सवाल आते हैं नाइन्थ क्लास के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में से लिए गए हैं, इनताए अहम सवाल आते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर ऑफ डैश जनरेशन आर ऑल्सो कॉल्ड डायरी कंप्यूटर। कौन से नस्ल का जो कंप्यूटर है वो उसको जो है डायरी कंप्यूटर भी कहते हैं। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, फिफ्थ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट मुतारफ करवाए गए। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड जनरेशन में मुतारफ कराए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दूसरी नस्ल कंप्यूटर भी कहलाते हैं। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, मिनी कंप्यूटर भी कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सवाल है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पहली नस्ल कंप्यूटर भी कहलाते हैं। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंटेल। पहला माइक्रोसेसर कौन सा था? दोस्तों, जो इंटेल कंपनी का पहला माइक्रोसेसर जिसका नाम था इंटेल 8080 था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मीटर रीडर्स कैन यूज मीटर रीडर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, हैंडी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर कैन टेक सिंपल कंप्यूटर आसान ले सकते हैं। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, डिसीजन जो है इजीली ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ईमेल स्टैंड्स फॉर ईमेल का मतलब क्या, यानी कि एब्रिविएशन क्या है? दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द टर्म ऑफ कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर के इस्तेला इस लफ्ज से माखूज है। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इट इज ए टॉप ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इट इज द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। जो दोस्तों जो बॉटम बार जो डेस्कटॉप पर दी गई उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अबाकस वाज इन्वेंटेड इन अबाकस की इजाद में हुई थी। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, चाइना में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। CPU स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। OS स्टैंड्स फॉर। OS का मतलब क्या है? दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। RAM इज अ डैश मेमोरी। दोस्तों, RAM एक मेमोरी है। दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विच वन इज यूज टू प्ले गेम्स। कौन सा खेलने के लिए इस्तेमाल होता है? दोस्तों, जो खेलने के लिए स्टिक इस्तेमाल होती है वो जॉय स्टिक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। LCD स्टैंड फॉर। बहुत ही अहम सवाल है। LCD का मतलब क्या है? दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हु वाज द फादर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बाप कौन था? दोस्तों, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फादर या फाउंडर कौन था? इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, बेबेज था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल विपाक मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया